अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए रमजान की बनाते हैं रेसिपी, और बहुत हेल्दी सी लाइट सी रेसिपी है। एवोकाडो रैप्स बन रहे हैं, जो कि चीज फैक्ट्री में मिलते हैं और सबको पता है कि बहुत टेस्टी और यम्मी होते हैं। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दो एवोकाडो लेने हैं, थोड़े से पके हुए हों तो अच्छा है। आपने उन्हें इस तरह से काट लेना है, इस तरह से करें और इसका सीड निकाल लें। अब आप क्या करें, इन्हें इस तरह से स्कूप कर लें। आप ये देखें कि बिल्कुल आराम से ये निकल जाते हैं और ये बहुत क्रीमी से होते हैं। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया, पहले मुझे भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे ये बहुत पसंद है एवोकाडोस। और ये हेल्दी फैट्स होते हैं इसमें, और अगर आप डाइट पे हैं तो बहुत अच्छे फैट्स होते हैं इसमें, आपकी हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ पे हेलोपिनो ले रही हूँ, मेरे पास फ्रोजन है, आप फ्रेश यूज़ कर लें। और इसके सीड्स निकाल लें, क्योंकि सीड्स में इसमें मिर्ची होती है तो फिर मुश्किल होती है आपको। तो इतने ज़्यादा इसमें है भी नहीं, इनको मैं बारीक बारीक स्लाइस कर लूँगी। चलें, ये भी जाएगा इसमें एवोकाडो में। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवोकाडो को हम मैश कर लेंगे। तो ये बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं। आप मैशर ले लें, फोर्क ले लें, उससे आप इसको ऐसे रफली मैश कर लें। चलें, ये देखें कि अच्छी तरह से रफली मैश हो गए हैं। मैं इसमें क्या करूंगी, क्योंकि एवोकाडो को आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ब्लैक होते हैं बहुत जल्दी, तो इसमें 1 टीस्पून में लेमन जूस डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये हमारी जो हमने अभी चॉप की थी हेलोपिनो। क्या करना है, एक मीडियम साइज की प्याज लेनी है और उसे आपने कर लेना है स्लाइस, चॉप, बारीक बारीक चॉप करना है उन्हें भी आपने। आपने ये भी इसमें डाल देना है। यहाँ पे मेरे पास रेड स्वीट पेपर है, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं सन ड्राई टोमेटो तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने फिर इसमें रेगुलर टमाटर यूज़ कर रही हूँ, रोमन टमाटर, एक वो आप यूज़ कर लें। इसको भी आप छोटा छोटा चॉप कर लें। यहाँ पे लेंगे टमाटर। अगर आपके पास सन ड्राइड टमेटोज हैं तो प्लीज़ वो यूज़ करें, मेरे पास वो नहीं थे। और आपको बताया, लॉकडाउन की वजह से आजकल हर चीज़ इतनी मुश्किल हो रही है, तो मैं तो इनके सीड्स निकाल दूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी। तो आप देखें कि कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं इनमें, ग्रीन, रेड ऑनियन, लाल टमाटर और लाल मिर्चें। और अब इसमें जाएगा, मेरे पास कोरिएंडर है, धनिया, ये तकरीबन आधा कप इसमें जाएगा। अब आप देखें कि इसको कितना खूबसूरत सा वैसे ही लग रहा है कि आप इसी तरह से इसे खा लें, कितना खूबसूरत लग रहा है ये ना। तो चलिए इसमें डालते हैं थोड़े से स्पाइसेस। यहाँ पे मेरे पास पेपरिका है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास है गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक एग वाइट है, ताकि इनको हम जो रैप्स बना रहे हैं उनको हम जोड़ सकें। और ये आपको पता है हर जगह से मिल जाते हैं, समोसे की पट्टियाँ, स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ, आपको इंडियन स्टोर से और एशियन किसी भी स्टोर से आपको ये मिल जाएंगे आसानी से, क्योंकि रोज़ों की आमद आमद है, तो अब तो आसानी से हर जगह से आपको मिलेंगी। मेरे पास ये बड़े साइज़ के हैं, आप अपने घर में अगर स्मॉल बनाते हैं तो स्मॉल ले लें, बड़े बनाते हैं तो बड़े ले लें। और अगर आपको बाहर से नहीं ख़रीदनी है, तो लास्ट ईयर मैंने रमज़ान से पहले ये घर में बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो जब आप इनको यूज़ कर रहे हो, वेट टॉवल के साथ आपने इन्हें कवर करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। अब आपने लेना है अपना मिक्सचर, अगर स्मॉल वाले हैं तो उसमें कम लें, बड़ा वाला है तो ज़्यादा ले लें। तो मैं तकरीबन ये फुल हीट किया हुआ एक स्पून ले रही हूँ, और इस तरह आपने इसको रोल करना है। देखें, जैसे आप स्प्रिंग रोल रोल करते हैं ना, उसी तरह से आपने इन्हें रोल करना है। इसे इस तरह फोल्ड किया, यहाँ से आपने इस तरह फोल्ड किया इसे, और एग वॉश लगाएं आप यहाँ पे। ब्रश ले लें, अगर आपने हाथ नहीं यूज़ करना तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं।
और आप इसे टाइटली योकन कर लें। इस तरह करें फिर आपने साइड वाला ये लेना है। एग वॉश लगाएं और ये घर में शीट बनाने की रेसिपी देखना ना भूलें। तो चलें मैं सारे बना के वापस आती हूँ। चलिए हमारे देखिए एवोकाडो रोल्स रेडी हो गए। आप इन्हें बना के फ्रिज में रख लें, अफ्तारी के टाइम पे फ्राई करें और खाएं। अब मैंने लिया पैन और अच्छा इसको आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल और इसको हम थोड़ा सा बस ब्राउन करेंगे साइडों से, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो चलें अब आपने डालना है अपना इसमें स्प्रिंग रोल, एवोकाडो रोल, स्प्रिंग रोल ही निकल रहा है मेरे मुँह से क्योंकि रोल्स देख के आपको स्प्रिंग रोल ही याद आते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बनते हैं सबके घरों में रमज़ान में। मैंने इसे मीडियम हाई पे रखा हुआ है और इस तरह ये ब्राउन हो रहे हैं और इनको आप टर्न कर लें। आप ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मीडियम लो पे मैंने हीट कर दी है अब इसकी, और इनको बस आप टर्न करते जाएँ, फ्राई करते जाएँ और निकालते जाएँ। चलें जी ये हो गए हमारे माशाल्लाह सब तैयार। चलें जी अब आप ये देखें इसको काटें इस तरह, अब देखें कि कितना अच्छा सा ये बन गया है। और इनको आप इस तरह पीसेस करके रखें, जब आप सर्व कर रहे हैं तो बाइट साइज के हो जाएंगे। चलें अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और इसके साथ बनाएं आप कोई सी भी टिप, अपनी फेवरेट सॉस। बिस्मिल्लाह, नहीं गर्म मुझे वो इतना गर्म था कि मेरा मुंह जल गया, लेकिन बहुत मज़ेदार बने, बहुत क्रीमी सा फ्लेवर है और जो हैलोपिनो है उसके उसकी जो खुशबू और स्पाइसेस आपको हिट कर रही है। मस्ट ट्राई रेसिपी, आप ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।